सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू लवर सी सम बेस्ट हाइजीन फॉर एवरी वन, फॉर एवरी इंडिविजुअल. सो दीज आर एज फॉलोज. वॉशिंग योर क्लोथ्स विथ सोप आफ्टर योर वन वेयर. ओके, सो वॉश योर अंडरवेयर्स विथ सोप एंड योर क्लोथ्स आफ्टर यू वेयर इट. एंड इफ यू आर जिम और स्पोर्ट पर्सन, यू रिलीज लॉट ऑफ स्वेट इन योर अंडरवेयर्स एंड योर जिम वेयर्स, देन यू हैव टू मस्ट वॉश योर these after one workout or after one beer. Okay, so regularly you have to wash it. So brushing your teeth twice a day, so one time is must in the early morning, and second if you eat at late night then it's must, then you have to brush your teeth twice a day. Otherwise you can also take some oral mouthwash and then you can puke out all the bacteria and germs from your oral hygiene, from your oral care routine. Okay, these are some tips for your oral care routine. So washing your hair with shampoo twice a week or single times in a month depending upon your interest and your हेयर ऑयल रूटीन एंड योर टाइप्स ऑफ हेयर. सो टाइप्स ऑफ हेयर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कई लोगों के ड्राई हेयर होते हैं, ऑयली हेयर होते हैं, और कई लोगों के हेयर में बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन या बैक्टीरिया होते हैं. तो बैक्टीरिया बिल्डअप है तो आपको दो टाइम्स तो मस्ट होता है, फिर उसमें फिर आपको मेडिसिनल शैम्पू से वॉश करना है. ठीक है, अगर आपके ड्राई हेयर हैं तो आपको वन टाइम वॉश करना है, लेकिन ऑयलिंग आपको 2 to 3 टाइम्स रेगुलरली करनी है. और अगर आपके बाल में, मतलब कि ऑयलिंग करने के बाद अगर बहुत ज़्यादा डस्ट अट्रैक्ट हो रही है तो फिर आपको 2 टाइम्स वॉश करना है. और अगर आपकी हेयर स्कैल्प की हेल्थ ऑयली है तो फिर आपको वन टाइम आपको बॉल अपने हेयर को ऑयल करना है और वन टाइम वॉश करना है. ठीक है, सो ये हो गई कुछ टिप्स. और अगर मैं ऑयलिंग की बात करूँ तो प्रायर टू योर बाथ और वन नाइट बिफोर योर बाथ. ठीक है, सो अब बात करते हैं शावर की. तो अगर इसे बोलते हैं नहाना, ठीक है, तो नहाना बहुत ज़रूरी है. रोज़ नहाइए, ठंडी हो या गर्मी, रोज़ नहाइए. ठीक है, रोज़ नहाना चाहिए. ठीक है, सो नहाना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप वर्किंग हो, कोई एक्टिविटी में एंगेज हो, कहीं पे भी बाहर आउटडोर जाते हो तो आजकल लॉट्स ऑफ बैक्टीरिया इन्फेक्शंस हैं. ठीक है, सो वो आपकी बॉडी से, आपके क्लोथ से, आपके फेस पे, आपके हैंड्स पे अट्रैक्ट होते हैं. तो बहुत ही माइन्यूट स्केल पे आपकी बैक्टीरिया में स्किन इन्फेक्शन या रैशेस फैला सकते हैं. ठीक है, सो इसे आपको ख़त्म करने के लिए आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से नहाना चाहिए रोज़ एकदम, और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए. हर्बल हो तो और भी बेस्ट है, और मेडिसिनल शैम्पू अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्किन इन्फेक्शन है तो आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए एज प्रिस्क्राइब बाय योर डॉक्टर. ओके, सो वॉशिंग योर हैंड्स डेली. सो अगर वॉश हैंड्स आप नहीं करते हो खाने के पहले तो आपको, मतलब कि 70 to 80% चांसेस है कि आपको डिसीजेज होंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, पेट की कोई समस्या हो जाएगी. ठीक है, सो ऐसा जल्दी देखा गया तो आपको खाने से पहले ज़रूर अपने हाथ को वॉश करना है. ठीक है, एंड वॉशिंग योर डिशेज एंड यूटेंसिल्स डेली. अगर प्लेट है, ठीक है, वैसे प्लेट आपको खुद ही धोना चाहिए, लेकिन प्लेट कभी भी जैसे आप एक बार खा लिए तो उसी प्लेट में फिर जैसे सुबह खाया तो शाम को नहीं खाना चाहिए. ठीक है, क्योंकि उसमें फिर आपको पता है ऑल अराउंड एटमॉस्फेयर इज सराउंडेड विद बैक्टीरिया एंड वायरसेस. ठीक, तो अगर आपका फूड जो है, फूड एक न्यूट्रिशन का काम करता है, ग्रोथ प्रोवाइड कर देगा बैक्टीरियाज को. ठीक है, जैसे वाटर भी है, अगर वाटर होता है तो वहाँ पे मॉस्किटोज जल्दी आ जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं. तो ये सब क्या है, ये सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं फॉर वायरसेस एंड बैक्टीरिया टू बिल्ड अप. ठीक है, तो इनको आपको इरेडिकेट करना है, अपने डिशेज को प्रॉपरली क्लीन करना है आफ्टर वन ईट एंड आफ्टर वन मील. ठीक है, सो दीज आर सम पर्सनल हाइजीन टिप्स. और इसी के साथ मैं आपसे अब थैंक यू करना चाहता हूँ. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब लवर्सी, एंड बी हेल्दी एंड डू हेल्दी एंड लव एवरीवन. थैंक यू.